हेलो स्टूडेंट्स, एवीकेएस एकेडमी में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज यूपीएससी के तरफ से जो भी न्यूज समाचार मिला है उसको हम एक तरह से फ्लैश न्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 31 मई को होने वाला था वो तो पोस्टपोन हो गया, और नया डेट्स जो है, मतलब यूपीएससी प्रिलिम्स के बारे में जो भी नया डेट्स है वो बहुत जल्द मई 20 को एक मीटिंग होगा, उसके बाद ही आपको नया डेट्स, द न्यू डेट्स विल बी अनाउंस टू ऑल द कैंडिडेट्स। अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हियर इज द कमीशन हैव वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड दैट सीएपीएफ एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हैड ऑलरेडी बीन पोस्टपोन, यानी नोटिफिकेशन जो देने वाला था वही नोटिफिकेशन ही ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं। यदि हम टेक्स्ट को सीधा सीधा देखेंगे इधर, तो इधर टेक्स्ट के हिसाब से कमीशन held a special meeting on May 4, 2020, yani aaj, to review the situation after the second phase of nationwide lockdown. Taking notice of the extension of the restrictions, the commission decided that it will not be possible to resume examinations and interviews for the present. yani abhi ke condition ke hisab se commission koi bhi examination koi bhi interview nahi le payenge. The civil service preliminary examination scheduled to be held on May 31, 2020 therefore stands deferred, yani postponed, since this examination also serves as a screening test for Indian Forest Service exam. The schedule for IFS is also deferred, yani IFS Indian Civil Services dono ka examination postpone ho gaya. The situation will be reviewed again in May 20 and a fresh dates, yani May 31st nahi hai, new dates, naya dates अनाउंस किया जाएगा ऑन द यूपीएससी वेबसाइट। द कमीशन हैड ऑलरेडी डिफर्ड द एग्जामिनेशन एंड द पर्सनालिटी टेस्ट फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज, यानी ऑलरेडी हमने डिफर कर दिया है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का नोटिफिकेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन का, और कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इधर दिया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, ये भी पोस्टपोन हो चुके हैं, यानी अभी कंडक्ट नहीं किया जाएगा एट द सेम टाइम। यूपीएससी ने लेकिन एक चीज और बोला था कि जब भी नया डेट्स अनाउंस किया जाएगा, वह नया डेट्स जो भी अनाउंस करेंगे उस नया डेट्स ऐसा होगा ताकि हर बच्चे को, हर एस्पिरेंट को कम से कम 30 दिन का समय मिले, यानी एज एंड व्हेन डेट्स डिसाइडेड फॉर द डिफर्ड टेस्ट एग्जामिनेशन इट विल बी इंश्योर दैट कैंडिडेट्स आर गिवन अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज। सो दिस अगेन नॉट टू बी कंफ्यूज विद द सीएपीएफ एग्जामिनेशन, दिस इज इनफैक्ट वी कैन कंसिडर इट इज the civil services examination, because civil services examination का जब भी नया डेट आता है उनको कम से कम 30 दिन का समय मिलेगा, उनका कहना यह है। लेकिन CAPF का नोटिफिकेशन को भी हम बोल सकते हैं, CAPF का नोटिफिकेशन आने के बाद फ्रेश डेट्स अनाउंस किया जाएगा, दैट कैन आल्सो बी एक्सपेक्टेड। क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी फिलहाल के लिए सिविल्स का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, CAPF का एग्जाम नोटिफिकेशन भी पोस्टपोन हुआ है, ये ऑफिशियल है आज, लेकिन CAPF एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने का चांसेस आप हमसे पूछते हैं। देन if the situation continues in the same manner then we can definitely expect the examination may be getting postponed, lekin हमें मानना है वट एवर यूपीएससी अल्टीमेटली एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, और इसीलिए मैं कहता हूं हम सभी को अगस्त महीने में ही एग्जाम होगा करके तैयारी करना है, ताकि हम अलग से, देखो अभी एग्जाम एक दो महीना पोस्टपोन भी होगा हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक दो महीने और हमें रिविजन के लिए मिलेगा, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, डू कंसिडर एस्पिरेंट्स एज अगस्त ओनली, don't take it for noted that the examination is by default going to be postponed. It's a main announcement for civil services, but CAPF notification also. Thank you so much.